राजनीति से फुर्सत नहीं और चले थे बिना ट्रायल कुश्ती लड़ने। बुरी तरह से हारे बजरंग पुनिया, प्रैक्टिस के वक्त देते रहे धरना, ट्रायल नाउ इसके लिए लड़ते रहे केस। सच्चाई देख लीजिए, ईरानी पहलवान के सामने एक पॉइंट लेने में छूट गए पसीने, तीसरे राउंड से पहले ही हारे। सौरभ गांगुली ने अगर अपना ओपनिंग स्लॉट छोड़कर वीरेंद्र सहवाग को नहीं दिया होता तो क्या देश को सहवाग मिल पाती? अगर धोनी को अपना 3 नंबर ना दिया होता तो क्या देश धोनी को ऐसे जान पाता? लेकिन खेल और जिंदगी की यही रीति है, खिलाड़ी का एक वक्त होता है और उसके बाद दूसरे को जगह देनी होती है। आप जबरदस्ती करेंगे और नहीं देंगे तो बेइज्जती तय है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने पूरे सिस्टम से सिर्फ इसलिए पंगा लिया कि उन्हें बिना ट्रायल के सारे गेम्स खेलने को मिल जाएं और उन्हें वरीयता दी जाए, क्योंकि वो सीनियर हैं। उनका मानना है कि हमारा खेल नहीं बल्कि सीनियरिटी देखी जाए, तो सिस्टम मजबूर हुआ और बिना ट्रायल के एशियन गेम्स में भेज दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। बजरंग पुनिया ईरानी पहलवान से इतनी बुरी तरह हारी कि किसी को भी शर्म आ जाए। ईरानी पहलवान ने उन्हें जैसे तैसे एक पॉइंट लेने दिया। सोचिए, तीसरे राउंड तक भी कुश्ती नहीं गई। अब गोल छोड़िए, भारत को सिल्वर मेडल भी नहीं मिल पाएगा, जबकि कुश्ती से देश को बड़ी उम्मीदें थी। खेल में हार जीत कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझना होगा कि हर खिलाड़ी का एक वक्त होता है। आप ट्रायल देकर जाइए, अगर आपसे बेहतर देश में कोई है तो उसे मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? देश अकेले आपका तो नहीं है, उसका भी है जिसका हक लेकर आप एशियन गेम्स में चले गए। क्या कोई खिलाड़ी देश से बड़ा हो सकता है? देश के लिए वही खिलाड़ी बड़ा है जो मेडल दिला सकता है। आपने ओलंपिक में मेडल दिलाया और भी कई मेडल दिलाए, बहुत अच्छी बात है। देश आपका सम्मान करता है, जनता आपको प्यार करती है, लेकिन आप दूसरों को भी आगे आने दीजिए जो डिजर्व करते हैं, उनको भी खेलने दीजिए, वरना बताइए वो कब खेलेंगे। अब सोचिए, जब प्रैक्टिस का वक्त था तब बजरंग पुनिया विनेश फोगाट के साथ जंतर मंतर पर धरना खेल रहे थे, उस केस का क्या नतीजा निकला? जब फेडरेशन ने इनको बिना ट्रायल के जाने दिया तो सब खत्म हो गया। इसका नतीजा देखिए कि 6 अक्टूबर को हमारे पहलवानों के साथ क्या हुआ। बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में हारे, अमन सेमीफाइनल में हारी, सोनम सेमीफाइनल में हारी, किरण भी सेमीफाइनल में हार गईं, राधिका राउंड 1 में एलिमिनेट हो गईं। बजरंग के अलावा बाकी जो आंदोलनकारी थे उनका क्या हाल है वो भी जान लीजिए। विनेश फोगाट इंजरी की वजह से गए ही नहीं, साक्षी मलिक ने ट्रायल में हिस्सा नहीं लिया, संगीता फोगाट ने ट्रायल्स में हिस्सा नहीं लिया, सत्यव्रत कादियान ने भी ट्रायल्स में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि सेमीफाइनल में हारने वाले पहलवानों के पास अभी कांस्य पदक जीतने का मौका है, लेकिन सवाल ये है कि हमें गोल्ड की उम्मीद थी, वहां से सिल्वर भी हाथ नहीं लगा, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसीलिए सोशल मीडिया पर जनता भड़क गई। ट्विटर पर दिलीप द्विवेदी नाम के एक यूजर ने लिखा, देखो ये बोलते ज्यादा हैं और कुश्ती में कुछ कर नहीं पाते, एक गोल्ड का नाश करवा दिया, इससे बढ़िया किसी और को भेजते। सत्यम नाम के एक यूजर ने लिखा कि जब आप प्रैक्टिस के बजाय धरने पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं तो यही होता है। बजरंग पुनिया प्रैक्टिस के वक्त जमकर राजनीति का हिस्सा बने रहे, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे रहे, अगर वो इनके लिए ज्यादा जरूरी था तो किसी और को जाने देते।